हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फैंटास्टिक सेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। गाइस, सबसे पहला काम अपन करते हैं, आपको बादशाह बनाते हैं, तभी मैं अपना इक्का निकालूंगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं अपना इक्का तभी शो करूंगा जब सामने वाला बादशाह हो, राइट? बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आज आपको देखने को मिलेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट से डर कैसे हटाया जाता है ये आज आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें समझ में आए, ये सब चीजें आगे हो, उससे पहले आप शेयर क्यों नहीं कर देते इसको हर जगह, इसको हर सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्यों नहीं डाल देते? पैसा थोड़े ना लगता है इसका। दूसरी बात, ये 11th का चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, और आज हम और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स के बिना तो हमारा लेक्चर जाता ही नहीं है, मतलब चीजें आसान कैसे हो जाए हमें पता है और हम कर देंगे, राइट? तो पहले आप बादशाह बनिए, पहले आप बादशाह बनिए, फिर मैं अपना इक्का दिखाऊं, ऐसे नहीं। शेयर इट विद एवरीबॉडी गाइस, शेयर इट विद एवरीबॉडी एंड देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर्स। बिफोर दैट लेट मी डू अ क्विक इंट्रो अबाउट द प्लेटफॉर्म। भाई, अगर आपको कोई भी अपडेट्स लाइक पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स वगैरह इसमें मिलते हैं, हर सेशन का सबसे पहले आपको इसमें नोटिफिकेशन जाता है सेशन के बारे में, सो डोंट वेट एंड जस्ट Add, मतलब आप गेट एडेड टू दिस टेलीग्राम चैनल, राइट? इंडियाज बेस्ट एडुकेटर विद ओनली वन सब्सक्रिप्शन। सारे एडुकेटर्स एक जगह पे केवल एक सब्सक्रिप्शन से, ठीक है? आपको मिलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बाद, और कोड क्या होता है? बाहुबली, ठीक है? अगर आप पढ़ाई में बाहुबली बनना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करिए और बाहुबली बन जाइए, राइट? तो आप सब लोगों ने, आई होप, मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने हर जगह शोर मचा दिया है, लगभग गली मोहल्ले में बता दिया है कि भाई मूल कॉन्सेप्ट की क्लासेस वगैरह चालू हो गई है, राइट? चलिए फिर स्टार्ट करें और आगे। ओके, सो इफ यू वांट पर्सनल अटेंशन, वन टू वन अटेंशन, देन यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगेन, बाहुबली कोड विल हेल्प हियर ऑल्सो, ठीक है? तो अपना जो बाहुबली कोड है ना, वो बहुत काम का है, तो ये कहीं भी लगा सकते हैं और किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आता है बात भाई मोलर मास का। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, आज मैं आपको फील कराऊंगा इस बात से। नाम में ही सब कुछ छुपा है, इस बात का आपको फील होगा। देखना, यहां पे लिखा हुआ है मोलर मास। देखना, मोलर मास क्या होता है? तो अगर एक मोल सब्सटेंस लिया जाए, कल मैंने बोला था मोल क्या है, मोल एक टर्मिनोलॉजी है जो क्या बताता है, जैसे डजन को हम 12 लिखते हैं, जैसे टू डजन को हम 24 लिखते हैं, सिमिलरली मोल को मैं लिखता हूं 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इट इज नथिंग मोर देन दैट, ठीक है? चलिए, सो मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स इज मोलर मास। अब आइए, वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स का क्या मैं समझा रहा हूं। वन मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, या न्यूट्रल आयंस भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। वन मोल का मतलब ही है ये वैल्यू। वन मोल इज नथिंग अदर देन दिस वैल्यू, और इतनी चीजों का मास इज मोलर मास। जैसे मैं एक संतरा ले लूं, उसका कुछ मास होगा, दो संतरा ले लूं, उसका कुछ मास होगा, 12 संतरे ले लो तो एक डजन का मास आ गया, 24 संतरे ले लो तो 2 डजन का मास आ गया, सिमिलरली 6.02 इंटू 10 की पावर 23 संतरे ले लो तो 1 मोल का मास आ जाएगा। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 चीजों के कलेक्टिवली मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास, ठीक है? तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, वन मोल इज नथिंग बट दिस मच पार्टिकल्स। इट मे बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इट मे बी आयंस, हो सकता है वो केटाइन हो सकता है वो एनायन हो, कुछ भी हो सकता है, कलेक्टिवली इट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23, दैट्स इट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसको एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर है जिसको एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने बोल दिया कि आज से मैं इसको मोल बोला करूंगा, ठीक है? तो एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एनए से डिनोट करते हैं, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं एनए से डिनोट करता हूं। एक नंबर तो ब्लॉक होगा आज, बार बार पता नहीं क्यों सेशन में कॉल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे आप थोड़ा सा समझाओगे, मतलब मैं आपकी ब्रेन्स की जो नसें जो टाइट हुई है ना केमिस्ट्री को लेके, जो डर है ना, वो खुलने वाला हूं। देखना, ये मास ऑफ वन पेन, एक पेन का मास है 5 ग्राम, तो मोलर मास क्या होगा पेन का? मान लो मैं इस पेन की बात कर रहा हूं। अच्छा, मोलर मास देखते ही क्या समझ आया?
मोलर मास इज द मास ऑफ 6.02 × 10³ पेन्स। एक पेन का मास 5 ग्राम है तो 10 पेन का मास 50 ग्राम होगा, 100 पेन का मास 500 ग्राम होगा। 6.02 × 10³ का 6.02 × 10³ ग्राम्स होगा, दैट्स इट भाई। आप सिंपली समझ सकते हैं ना, एक पेन का मास कितना है भाई, 5 ग्राम। दो पेन का कितना होगा सर, 5 × 2। अच्छा तीन पेन का बता सकते हो क्या, 5 × 3। क्या 6.02 का बता सकते हो, 6.02 पेन का, तो 5 × 6.02। वैसे 6.02 पेंस नहीं होते, बट ठीक है मान लिया हमने। अच्छा मान लो मैं इसको 6.02 × 10³ पेंस कर दूं, तो कुछ भी नहीं, बस राइट साइड में 6.02 × 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड दिस इज व्हाट एक मोल पेन का मास निकल गया है। एक पेन का 5 ग्राम, एक मोल का 6.02 × 10³। एक संतरे का मास है मान लो 10 ग्राम, तो एक मोल संतरे का 10 ग्राम इंटू मोल नंबर, मोल इज एवोगाड्रो नंबर, दैट्स इट। और यहां तक बातें क्लियर हुई है तो बोलते चलिएगा कमेंट सेक्शन में, यहां तक बातें अगर क्लियर हुई है तो बोलते चलिएगा कमेंट सेक्शन में फिर से। अच्छा ये करके बताइए, और गलती नहीं करना है, मैं बार बार वही गलती करवाऊंगा जो एग्जामिनर आपसे करवाएगा इन फ्यूचर, तो वो गलती मैं पहले ही आपसे सेशन में करवा लूंगा, तो गलत हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जानबूझ के गलती करा रहा हूं। और आप सब लोगों ने दोस्ती की नहीं की है क्या, फटाफट दोस्ती हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों। अच्छा मास ऑफ वन बाहुबली 70 kg। अब मोलर मास ऑफ बाहुबली पूछा जा रहा है, अगेन भाई एक बाहुबली को मैं इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, बी ए लिख देता हूं, ठीक है। एक बाहुबली का मास है 70 kg, ठीक है। अच्छा तो 5 बाहुबली मिल जाए तो उनका मास कितना हो जाएगा सर, 5 × 70 kg, सिंपल। अगर 10 बाहुबली को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर, 10 × 70 kg। अगर मैं 6.02 × 10³ बाहुबली को एक साथ खड़ा करता हूं तो उसका मास कितना हो जाएगा, 6.02 × 10³ × 70, यही हो रहा होगा। और ये गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि आपने पिछला स्टेटमेंट सही नहीं समझा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पहले गलती करवाऊंगा और फिर सुधरवाऊंगा। देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है मोलर मास का, जब डेफिनेशन आपने देखने की कोशिश की है ना, मोलर मास का डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ था इन ग्राम्स। ओहो, यही तो है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं है आपको बस। मैं शिकारी बन के आपके पास आया, यहां पे किलोग्राम लिख के गया था और आपने किलोग्राम में आंसर दे दिया और आप फंस गए। भाई साहब मोलर मास ग्राम में होता है, तो इस किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करिए। तो ये 70 kg है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 से भी मल्टीप्लाई करोगे। शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं है, हमेशा मोलर मास ग्राम में होता है। पहली और पहली टेक्निक आपको समझ में आई है। अगर मैं इसको डेसी मतलब मान लो कोई भी यूनिट दे दूं, तो उसको सबसे पहले आप ग्राम में कन्वर्ट करिएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा अगर समझ में आ रहा है तो, ऐसा शांत नहीं बैठना। यस, तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 70,000 Na, क्योंकि हमेशा मोलर मास कहां होता है भाई साहब, अरे ग्राम में होता है। आगे बढ़ जाए क्या, चलिए तो मोलर मास का एक बाहुबली ट्रिक दे देता हूं, बस एक लाइन में मोलर मास को खत्म कर देंगे। बाहुबली टेक्निक दे देता हूं। मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का ऐसे लिखना है, मास ऑफ वन यूनिट इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। देखना ग्राम लिखा हुआ है। अच्छा अब दोनों क्वेश्चन को फटाफट यहां पे एक लाइन में आंसर करता हूं। मास ऑफ वन यूनिट, एक बाहुबली का कितना मास था, 70 kg, लेकिन ग्राम में है तो 70,000। अच्छा इंटू एवोगाड्रो नंबर, वन लाइन में सॉल्यूशन भाई साहब, ऐसे ही करवाऊंगा पूरी केमिस्ट्री, वन लाइन में सॉल्यूशन। आइए उसके पहले वाला क्वेश्चन करिए, वन यूनिट का मास कितना था, मास ऑफ एक पेन कितना था, 5 ग्राम, तो इंटू 5 × Na। एक यूनिट का मास लिखना है ग्राम में और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास आ जाएगा। अरे बात समझ में आ चुकी है मुझे लगता है, अरे बात समझ में आई है कि नहीं, वन लाइनर सॉल्यूशंस। आई और भी आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी वन लाइन में करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ता हूं, पहले एक कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने,
समझिए इसी कॉन्सेप्ट से लिखे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोलर मास के लिए रुक जाइए, थामिए थामिए थाम। मोलर मास लिखने के लिए क्या करते हैं, एक यूनिट का मास लिखते हैं ग्राम में, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास लिखते हैं। ठीक है, लिखिए लिखिए, सोचिए क्या क्या करेंगे, सोचिए एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास लिखिए और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मोलर मास निकालना है तो एक सिंगल सोडियम एटम का मास लिखिए और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक सिंगल सल्फर एटम का मास लिखिए और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंगल यूनिट का मास लिखना है और उसको क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ चुकी होगी अभी तक भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो, क्योंकि वन लाइनर सॉल्यूशंस इन केमिस्ट्री ओनली एंड ओनली अवेलेबल एट एन एकेडमी नीट टॉपर्स, सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड सिमिलरली फॉर बायो। डॉक्टर बनने का ये जो आपने सपना देख रखा है ना, उस सपने के साथ हम जीते हैं आपके साथ। मैंने बार बार आपको बोला है, कोई भी प्रॉब्लम है हम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तीनों यहाँ पे त्रिमूर्ति आप बोलते हो, हम तीनों है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आओ फिर से देखें मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक ऑक्सीजन एटम का मास मुझे कोई बता पाएगा जो मेरा प्यारा स्टूडेंट है इस कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मास ऑफ वन यूनिट लिखना है तो मास ऑफ वन एटम तो सर एएमयू में लिखा जाता था। वेरी गुड, इफ यू हैव डन दिस एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट डन दिस अभी सीख लीजिए। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 एएमयू। अच्छा, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.02×10 की पावर हो गया ना, मोलर मास आ गया, काम खत्म। अच्छा, एएमयू की वैल्यू भी बता रखी थी क्या मैंने, AMU की वैल्यू भी बता रखी है क्या? बिल्कुल बता रखी है। तो दैट इज 116। AMU की वैल्यू होती है 1.6×10⁻²⁴ ग्राम में लिख रहा हूं, क्यों? मोलर मास है भाई साहब, ग्राम में लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि मोलर मास है भाई साहब। अच्छा, ×6.02×10⁰³ लिख सकता हूं मैं इसे। Yes. अच्छा, सोडियम एटम वाला कर दीजिए तो सर सोडियम एटम इज, एक सोडियम एटम इज 23 AMU इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो लिखो यार, ये भूल गए क्या, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास आ जाएगा। मास ऑफ वन सिंगल यूनिट इनटू एवोगाड्रो नंबर, खत्म कहानी। यस, लगेगा पार्थ ये जेई के लिए भी इनफ एंड सफिशिएंट है। आइए इधर सल्फर एटम की बात करूं तो 32 AMU लिख दो, एक सल्फर एटम। जब भी एक एटम की बात हो एएमयू, और जब भी मोलर मास की बात की जाए तो मोल का मतलब ही होता है 6.02×10⁰², नथिंग एल्स। अरे अगर बात समझ में आ चुकी है तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्या मैं इस चीजों को एएमयू की वैल्यू यहां भी लाभ डाल दूं, क्या कोई दिक्कत है आपको? अरे काहे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। 10⁴ × 6.02×10⁰³, राइटिंग हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दीजिएगा। हाँ, नीट के लिए तो बहुत, अरे नीट का तो चैनल ही है, तुम काहे पूछ रहे हो सब सवाल, बातें बहुत करते हो, पढ़ो। 1.66×10⁴ − 24×6.02×10⁰³। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, यहां तक कोई सिंगल डाउट आने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यार एक बात करते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे मैंने ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, मोलर मास ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, तो मैंने लिखा था 16 × कॉपी में देखिए 1.66×10⁴ ग्राम, नोट्स बनाते रहिएगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था 6.02×10³। अगर मैं सल्फर एटम या सोडियम एटम की बात करूं तो सोडियम के लिए क्या किया था मैंने, सिंपल 23×1.66×10⁴ किया था × 6.02×10⁰³। अब हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, मैं तो हूं, आपका पता नहीं, आप भी मॉडर्न जमाने के होंगे तो आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे, अब बोलेंगे सर इसको कॉपी मार, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीजें बार बार आ रही है, तो एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए आइए, इन दोनों की वैल्यू निकालो जरा। 1.66×10⁴ ग्राम लिख सकते हैं क्या भाई, × 6.02×10⁰³। अब कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं देखना, देखना सब लोग गौर फरमाएंगे मेरी पेन पे। क्या मैं इसको 1.7 लिख सकता हूं, कोई नाराजगी थोड़ी ना होगी आपकी, बिल्कुल 1.7 लिख सकता हूं। क्या मैं इसकी वैल्यू 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। मैंने क्या किया, मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, × 10⁻²² को वैसा का वैसा रहने देते हैं, 10⁰³ को वैसा का वैसा रहने देते हैं। अच्छा,
17 इंटू 6 क्या आता है भाई, 102 आता है क्या? और एक डेसिमल है तो क्या इसको 10.2 लिख सकता हूं? कितना आसान आ गया अगर आपको टेबल आता है तो। अरे फोर्थ फाइव फिफ्थ क्लास का बच्चा कर लेगा यार, आप तो कर ही लो। इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये देखो बेस जब सेम हो ना तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो -24 और 23 मिलके -1 हो गया। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड कर दो, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। अब देखो क्या मैं इसको 1.02 लिख दूं या फिर इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए 1 मान लूं क्या, या फिर इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए 1 मान लूं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इतनी बड़ी चीज जो आपके सामने दिख रही है ना मेरे दोस्तों, ये इतनी बड़ी चीज जो मेरे सामने दिख रही है वो सब 1 है। ये इतनी बड़ी चीज जो है इसका वैल्यू 1 है, जो आपको मैंने अभी अभी यहां निकाल के बता दिया। तो कहने का मतलब ये है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नथिंग बट 16 ग्राम, क्योंकि इसके बाद वाली चीजों का वैल्यू 1 है। अच्छा ग्राम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया था 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस, AMU को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया ना तो दिस एक AMU इज इक्वल टू इतना ग्राम, तो ग्राम यहां से आ गया यूनिट इसका, ठीक है। तो और सोडियम एटम इज 23 ग्राम, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाले सारे की वैल्यू 1 है। सल्फर एटम की बात करो तो 32 ग्राम, नहीं आया बात समझ, बहुत डिफिकल्ट जो जा रहा है। अरे इतने आसान करके पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और आगे चले, पावर ऑफ मैथ्स, यस इट्स वेरी इजी पीजी समथिंग। तो कहने का मतलब है, अब एक और बाहुबली टेक्निक दे रहा हूं, मोलर मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास और आगे ग्राम लगा दीजिए। अगर सिंगल एटम की बात करूं तो एटॉमिक मास के आगे एमयू लगा दीजिए, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो यूनिटी मत लगाइए, आंसर आ जाएगा। मतलब एक चीज पढ़े और तीन चीजों का कैलकुलेशन निकल रहा है, भाई साहब इससे ज्यादा खतरनाक आपको क्या पढ़ाऊं। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की, चलो मैं ऑक्सीजन की चर्चा कर लेता हूं सबसे पहले, तो ऑक्सीजन एटम की चर्चा कर रहा हूं आपके लिए, तो ऑक्सीजन की बात बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे कौन सबसे पहले बता रहा है, फटाफट दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम का मोटिवेशन बढ़ाएगा, और एक बार हमारी मोटिवेशन बढ़ गया तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। लाइक बटन तहस नहस कर दो, बिल्कुल भाई साहब। ऑक्सीजन एटम की बात करो तो ऑक्सीजन का क्या 16 होता है मास नंबर। अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कुछ करना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ा निकम्मा है। अच्छा मास ऑफ वन एटम की बात करो, क्या ये मास ऑफ वन एटम को दूसरे भाषा में एटॉमिक मास भी बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो क्या मैं 16 एमयू भी बोल सकता हूं इसको, बिल्कुल बोल सकता हूं, वन एटम इज एमयू। अच्छा मोलर मास कुछ भी नहीं है सर, आगे ग्राम लगा दो। ये सब डराने वाली चीजें थी जो आप पहले पढ़ रहे थे, अब चीजें जाके क्लियर हुई है, राइट, दिमाग के धागे खुल रहे, केमिस्ट्री में सोचने का मन कर रहा है, यस यही होगा आपके लिए, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरे दोस्तों, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये तीनों की वैल्यू आप मुझे बताओगे, मैं 2 सेकंड से 5 सेकंड का वेट, 5 सेकंड के बाद, मतलब यू हैव टू बी वेरी क्विक, आपको स्पीड भी बढ़ाना है, तीनों लिख दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया शानदार। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर मैं एटॉमिक मास या मास ऑफ वन एटम की बात करूं तो एएमयू होता है। दोस्तों अगर मैं ग्राम लगा दूं तो यही मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, और कैसे हुआ है ये मैं अभी तक एक्सप्लेन करते आया हूं, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो कोई नाराजगी नहीं होगी। लीजिए आपको एक लाइन में मोलर मास की डेफिनेशन कर दूं, सब चीजों को मैं वन लाइनर बना दूंगा, डोंट वरी। बाहुबली वे ये है कि भाई साहब मोलर मास कुछ भी नहीं होता है, अगर एटॉमिक मास आता है आगे ग्राम लगा दो तो आंसर आएगा। क्या ये गलत है, क्या ये सही है, अब आप बताओ भाई, एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो आंसर आ जाएगा मोलर मास। अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं ना, कोई बहुत बड़े चीज की है नहीं ना, तो आगे बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम मास, यहां से मोल कैलकुलेशन चालू होता है। अच्छा एक फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, फॉर्मूला आप भी देख लो, क्योंकि सब बच्चे देखते हैं तो आप भी देखो, आपके साथ 15-16 लाख बच्चे देंगे तो आप भी देख लो, उनको भी उन्होंने भी देखा है, आपने भी देखा है, लेकिन आज के बाद ये फॉर्मूला रटोगे नहीं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में रटना मना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना मना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना मना है, एक सिंगल लाइन बोलूंगा और ये फॉर्मूला आप भूल जाओगे। दोस्तों कैसे आप मोल कॉन्सेप्ट, मोल निकालोगे विद हेल्प ऑफ मोलर मास, कैसे आप मोल निकालोगे, तो मैं एक चीज यहां पर लिखता हूं, मोलर मास, बस देखना ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, भले ही रटा हुआ होगा लेकिन आज के बाद भूल जाओगे। दो बॉक्स बना दो, मोलर मास के ऊपर बॉक्स खींच दो और मोल के ऊपर बॉक्स खींच दिया। चलो आज के बाद दिमाग में रखना, किसी भी चीज से मोल निकालना हो, मैं ये लाइन कम से कम 100 बार बोलूंगा आज से लेकर के 2-3 दिन तक, किसी भी चीज से मोल निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, ध्यान रखें,
किसी भी चीज से मोल निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, सॉरी नॉट मोलर मास, मैं यहां पे थोड़ा सा इरेज करूंगा, ठीक है। चलिए यहां पे क्या मास आएगा, सिंपल मास। मैं क्या पढ़ रहा हूं, मास से मोल निकालने का कैलकुलेशन पढ़ रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम मास पढ़ रहा हूं, मोलर मास से। देखा, अच्छा मोल निकालना है मेरे दोस्तों, किसी भी चीज से मोल निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, तो मास से मोल निकालना है ना बेटा, मास से मोल निकालना है ना, तो आप डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से, हो गया काम तमाम। दोस्तों समझ में आ गई हो तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मोल से मास निकालना है तो, अच्छा जब एक तरफ गए थे तो डिवाइड किए थे, उल्टा आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म कहानी, मल्टीप्लाई विथ मोलर मास। यही चीज मैं पार्टिकल वाले में बताऊंगा, यही चीज मैं वेपर डेंसिटी में बताऊंगा, मोल किसी भी चीज से निकालना हो तो डिवाइड करना है, मास के लिए मोलर मास से डिवाइड करना है, पार्टिकल के लिए 6.02 × 10^23 से डिवाइड करना है, सिमिलरली मैं गैस के लिए बताऊंगा, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फॉर्मूला रटना मना है, किसी भी चीज से मोल निकालना है डिवाइड करना है, और मोल से कुछ और निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा दो क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए, आपके हेल्प के लिए मैं बता देता हूं, CaCO3 का मोलर मास, मोलिकुलर मास होता है, मोलर मास होता है 100 ग्राम और KMnO4 का 158 ग्राम, बस आपके हेल्प के लिए बताया है, वैसे आपके एग्जाम में भी दिया रहता है। अच्छा मोल निकालना है क्या दोस्तों, क्या 2 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या, सर मोल निकालना है ना तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी, 1/10 मोल और 0.1 मोल आंसर। अच्छा इसका बता दो सर, इसका जब बताओगे तो 158/158 मास अपॉन मोलर मास, किसी से जैसे मान लो ये मास दिया हुआ है, डिवाइड कर दो मोलर मास से आंसर आ जाएगा मोल का, ये मास दिया हुआ है डिवाइड कर दो मोलर मास से मोल निकल आएगा, मोल निकालने के लिए डिवाइड करना है हमेशा, तो इट इज 1 मोल आंसर। ये छोटे क्वेश्चंस थे, आते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, बस मेरी अगर वो टेक्निक याद रखोगे तो एग्जाम क्या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। देखना देखना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, अच्छा मोल निकालने के लिए बोल रहा है ठीक है, और मास दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, यहां मास की बात हो रही है तो मोलर मास से डिवाइड करना है। चलिए तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट मोल निकाल दो, तो मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे। चलिए गिवन मास कितना है, 19.2 kg अपॉन 19.2 kg अपॉन, क्या मैं चलो पहले 2 मिनट आपको समय दूं, पहले 2 मिनट आपको समय देता हूं फिर करूंगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास करना है आपको, दैट्स इट। थोड़ा तब तक आपके कमेंट सेक्शन 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ही 21 के लिए भी है, 22 के लिए भी है दोस्तों, ठीक है। हाँ वेरी गुड, हिमांशी ने इस बात पकड़ लिया है बात को, बेटा एक शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं है आपको, देखो यहां पे केजी में दिया हुआ ये बात, किलोग्राम नहीं होता, मोलर मास या मोल कैलकुलेशन हमेशा ग्राम में होता है, तो देखना 19.2 केजी है, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ग्राम में होगा, और मोलर मास से डिवाइड करना है, मोलर मास के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ एन एटम, अच्छा एक यूनिट का मास दिया हुआ है तो मोलर मास कैसे निकलता है, एक यूनिट का मास दिया है तो मोलर मास निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास इज एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो एक यूनिट का मास है मेरे पास 1.6 × 10^-23 इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 10^-23 6.02 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मैं इसको 19,200 लिख सकता हूं ऊपर वाले को अपॉन, ये देखना कैलकुलेशन आसान कैसे करते हैं, 16 × 6 कितना होता है 9.6 इंटू, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10^23 और 10^-23, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 192,000 ऊपर चला जाएगा अपॉन 96, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने 2000 मोल का आंसर आ रहा होगा, आ रहा है क्या सब लोगों के, आ रहे क्या आपके पास, ये हार्ट्स दिखाने का मौका नहीं है जो आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो, मोल निकालने के लिए डिवाइड करना है मास अपॉन मोलर मास, दैट्स इट, मोल निकालने के लिए डिवाइड करना है मोलर मास से, हाँ ना बोलना पड़ेगा, बिल्कुल 2000 बिल्कुल सही आंसर। आइए ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको इसलिए जानबूझ के करा रहा हूं, बट फिर से बता दूं ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन डरना नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन वैसे आते हैं, तो देखो बस आपको कुछ नहीं करना, मोल निकालना है ना,
तो मोल इज इक्वल टू, आपको पता है मोल के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नथिंग एल्स, मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। भाई हाँ ना बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। टुमारो इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली हार्ट्स। 2000 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, 2000 एब्सोल्युटली। इसको थोड़ा ट्राई करिए, सोचिए, डरना मना है फिर से। अच्छा कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। अच्छा क्या आपको मास दिया हुआ है? बहुत सही बात है, तो मास को सबसे पहले आप ग्राम में रखो, रख दिया 1 kg दिया है, शिकारी आएगा दाना डालेगा फंसने, अपॉन मोलर मास करना है। तो मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ सिंगल यूनिट दिया हुआ है, तो सिंगल यूनिट से मोलर मास के लिए क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, 6.02 × 10³ से मल्टीप्लाई। दैट मींस अगर एक एटम का मास दिया हुआ है यहां पे क्वेश्चन में, क्या मैं सही लिख रहा हूं? अरे बेवकूफों, ये 9 kg में दिया हुआ है, मोल हमेशा आपको उसमें निकलता है ग्राम में, तो मैं 31 लिख रहा हूं तो आपको टोकना पड़ेगा ना मुझे। चेक कर रहा था मैं आपको कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वैसे सही पढ़ रहे हो बाय द वे। चलो तो 10⁻²⁸ ग्राम में हो गया, इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻²⁰। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऊपर 10³ अपॉन इसको ले लो 9.1 × 6 × 10⁻⁵। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, तो ये -5 ऊपर जाके +5 में बदल जाएगा, 10⁸ अपॉन ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 एंड 9 × 6 = 54, 546 राइट। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई हाँ ना बोलना पड़ेगा, थैंक यू सो मच डैडी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। यार तुम लोग नाम बड़े अजीब अजीब रखते हो, मास अपॉन मोलर मास, नथिंग एल्स। हाँ लेकिन अगर डर गए, पेन छोड़ दिया पहले तो नहीं होगा, लेकिन पेन अगर भिड़ाते रहे, पेन अगर करते रहे, कुछ ना कुछ लिखते रहे, अब फॉर्मूला लिखो फिर देखो, मास लिख दिया है का? दिया था 1 kg, मोलर मास निकाल सकते थे क्या? 1 यूनिट का मास दिया है, उससे मैं मोलर मास बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। अरे शैतानों समझ आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। हाँ यार सर पकड़ा देते हो यहां पे। अच्छा एक टर्मिनोलॉजी आती है मेरे दोस्तों, ग्राम एटम, फिर आती है टर्मिनोलॉजी ग्राम मोलिक्यूल, फिर आती है ग्राम एटॉमिक मास, फिर आती है ग्राम मोलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, ये सब क्या किस बला का नाम है? एक छोटी सी 2 लाइन की थ्योरी, थ्योरी भी नहीं कुछ भी नहीं है, आपको ये पता है, और फिर ये ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल, आज के बाद आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखना सब लोग अपनी निगाहें बोर्ड पे, मेरी तरफ तो नहीं, बोर्ड पे, ठीक है, मेरी तरफ भी देख सकते हो, मैं स्मार्ट देखता हूं बाय द वे, राइट, मास्टर स्मार्ट है नहीं है आपका, है ना, कोई नहीं बोलेगा वैसे खराब दिख रहे हो, अच्छा ही दिखता हूं, मास्टर स्मार्ट है, बिल्कुल स्मार्ट है, अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, एब्सोल्युटली कूल। चलो भाई सर Na से मल्टीप्लाई क्यों करे? बेटा एक एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, मोलर मास निकालने के लिए हमेशा Na से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, मास ऑफ सिंगल यूनिट इनटू Na, यस यस लल्लंट, अरे लल्लंट ऑफ लग रही क्या? चलिए नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट इज ग्राम एटम। अच्छा ये वाला लाइन जरा देखना, क्या ये लाइन अपन पढ़ के आए हैं? मोलर मास के लिए कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा देना था, सिमिलरली मोलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लगा दीजिए तो मोलर मास निकल जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हमने क्या किया था, एटॉमिक मास 16 था तो उसके आगे ग्राम लगा दिया था। अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसका मोलिक्यूलर मास 18 है, अगर उसके आगे ग्राम लगा दो तो क्या आ जाएगा आपके सामने, मोलर मास ऑफ वाटर। अच्छा तो मोलर मास के लिए हम कर क्या रहे हैं, ग्राम लगा रहे हैं एटम के आगे, एटॉमिक मास के आगे, और ग्राम लगा रहे हैं मोलिक्यूल के आगे, मोलिकुलर मास के आगे, यही तो कर रहे हैं भाई, ग्राम लगा रहे एटम के आगे, ग्राम लगा रहे एटम के आगे, ग्राम लगा रहे एटम के आगे, ग्राम एटम समझ आ रहा है क्या? तो ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल। भाई मोलर मास निकालने के लिए मैंने एटम के मास के आगे ग्राम लगाया, मोल निकालने के लिए एटम के आगे ग्राम लगाया, ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल, ग्राम मोलिक्यूल इज नथिंग बट मोल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक दोस्ती नहीं की है गुनाह कर रहे हो, फटाफट दोस्ती हो जानी चाहिए। वाह वाह बेटा हमने किया क्या था मोलर मास के लिए, एटॉमिक मास के आगे ग्राम ही तो लिखा था, मोलिकुलर मास के आगे ग्राम ही तो लिखा था, तो ग्राम
एटम, पीछे पीछे पढ़िए, पीछे से पढ़िए, ग्राम मॉलिक्यूल, क्या है, मोल नहीं है तो और क्या है, मोल है बेटा, ठीक है। यस सर, एटॉमिक मास तो एमयू में होता है ना, वेरी गुड बेटा, एटॉमिक मास एमयू में होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू एवोगाड्रो नंबर करके वो वैल्यू 1 आ रही थी क्या, तो मैंने डायरेक्टली उस सारी चीजों को हटा के सीधा ग्राम लिख दिया था क्या, हो रहे थे क्या तुम उस टाइम पे, गलत बात है, ग्राम क्यों लगाया बेटा, मोलर मास ग्राम में ही लिखते हैं ना बेटा, ये वाली थ्योरी, ये वाली चीजें यहां याद करो, यहां पे आओ, ये मैंने कैसे लिखा था, देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे आया था, एक एटम के लिए एमयू इस्तेमाल किया था इंटू एवोगाड्रो नंबर, अब ये एमयू की वैल्यू और एवोगाड्रो नंबर मिलकर 1 आ रहा है, तो मैंने सीधा सीधा ग्राम लिख दिया, और ग्राम इसलिए लिखा कि बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब दुनिया में, टाइम आ गया हो क्या, हेलो वेब क्लियर है क्या, चीजें क्लियर है, मतलब ये वाली चीजें क्लियर है, लाइव वाली, माय गॉड, आई होप क्लियर है ना, है ना, है ना भाई साहब, क्या क्या दिक्कतें हो रही है सेशन में, देख रहे हो आप, चलो कोई नहीं, अपन बेहतर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कितना अभी समय बचा है ना, हाँ 40 है, अभी है 20 मिनट है, बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक है, और बहुत बेहतरीन अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई, रेडी है सब लोग, भाग गए अचानक से पता नहीं कहाँ, बेटा शेयर कर दो और बुला दो उनको, टॉपिक ना छूट जाए उनका, आगे वाला टॉपिक अच्छा है, फटाफट शेयर करो, सबको बताओ आई एम बैक, यू नो किंग इज बैक, बाहुबली इज बैक, वीटी इज बैक, राइट, फटाफट शेयर करो, 2-3 मिनट का समय लेते हैं, पता नहीं क्या यार इंटरनेट फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, लाइट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, चलो रिपीट करते हैं, चलो आओ आओ इस वाले टॉपिक को रिपीट करते हैं, ठीक है, पहले मैं इसको ना इंक हटा देता हूँ, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, ओके ये तो नहीं हटेगा, चलो यहां से हटते हैं भाई, मोलर मास क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास के आगे ग्राम ही तो लगा रहे हैं, मोलिकुलर मास के आगे ग्राम ही तो लगा रहे हैं, तो हमने क्या किया, उल्टा पढ़ो, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ये समझ आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ये ग्राम एटम और ये ग्राम मोलिक्यूल, ये समझ आ रही है चीजें, ये देखो उल्टा पढ़ो ना, ये ग्राम दिख रहा है यहां पे, दिस इज ग्राम, और फिर ग्राम और ये क्या है, एटम, एटम एटॉमिक मास इज व्हाट, एटम का मास, मोलिक्यूलर मास इज व्हाट, मोलिक्यूल का मास, तो ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल दिखा, हमने किया क्या है, मोलर मास इज एटॉमिक मास के आगे ग्राम, मोलिक्यूलर मास के आगे ग्राम ही तो लगाया है भाई, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 16 ग्राम, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाया है, ठीक है, चल अब हमने क्या किया है, ग्राम एटम इज नथिंग बट अ मोल, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं मोल, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं मोल, मतलब ये क्या हो गया, ग्राम एटम इज नथिंग बट अ मोल, ग्राम मोलिक्यूल इज नथिंग बट अ मोल, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल इज नंबर ऑफ मोल, भाई कहीं भी जैसे ग्राम एटॉमिक मास लिख रहा है, दैट मींस मोलर मास, ग्राम एटम क्या है, मोल, देयरफॉर इट इज अ मोलर मास, मोल का मास इज मोलर मास, मोल का मास इज मोलर मास, तो कहीं भी ग्राम एटम लिख जाए दैट इज मोल, कहीं भी ग्राम मोलिक्यूल दिख जाए दैट इज मोल, कहीं भी ग्राम एटॉमिक मास दिख जाए दैट इज मोलर मास, समझ आ रहा है, एक सिंपल फंडा मैंने आपको बताया यहां पे ग्राम एटम का, अब कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल, भाई मास से आएगा तो बस, मास से मोल कैलकुलेशन के लिए क्या किया था हमने, फटाफट बताइए, मास से मोल निकालने के लिए हमने क्या किया था और मोल से मास निकालने के लिए हमने क्या किया था, भाई मास से जब मोल निकालना है तो डिवाइड बाई मोलर मास किया था, क्या ये बात क्लियर है, और मल्टीप्लाई बाई मोलर मास किया था, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास किया था उल्टा निकालने के लिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना हो तो क्या करोगे, भाई फॉर्मूला तो देख लो आप, पहले सब देखते हैं इसलिए आप भी देख लो, पार्टिकल जितना क्वेश्चन में दिया है अपॉन एवोगाड्रो नंबर, सुनेंगे मोल क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, अब क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा, उससे बढ़िया है कि आप देखो पार्टिकल से अगर आपको क्या निकालना है, मोल, तो कभी भी मोल निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो पार्टिकल से मोल निकालना है तो डिवाइड बाई एन ए एवोगाड्रो नंबर, और उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई बाई एन ए, फॉर्मूला रटना मना है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, पार्टिकल से मोल कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय एन ए, और मोल से पार्टिकल कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय एन ए, गेटिंग दिस,
आइए फटाफट इसका आंसर बताइए। दो क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां पे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहां करने वाले हैं फटाफट। दोस्तों मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं। अच्छा क्या नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटोन का, आप आंख बंद करके मोल निकालोगे। कुछ और निकालने जाओगे गलती कर बैठोगे, इसलिए आंख बंद करके मोल निकालोगे। क्या आप मोल निकाल सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का? गिवन मास कितना है बेटा? 16 ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन मोलर मास बताओ हीलियम का, सर 4। क्या मोल आ गया? 4 मोल आ गया। ओके सर, नंबर ऑफ एटम पूछा गया है बेटा। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल में Na पार्टिकल होते हैं सर, और पार्टिकल का मतलब एटम हो या मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सर 4 मोल में कितना होगा? 4 Na। या यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वन लाइनर बताओ। यस, वन लाइनर यहां पे आ जाओ। सर गिवन मास अपॉन मोलर मास किया तो आपके पास मोल आ गया, दैट मीन 4 मोल, और मोल इज नथिंग बट 6.02 × 10³³ और Na। आंसर वन लाइनर आंसर भी समझ आ रहा है कि आप लोगों को? बहुत बढ़िया, 4 × Na। चलो दूसरा वाला पार्ट करते हैं यहां पे। सो दूसरा वाला पार्ट यहां पे करते हैं। 16 AMU में कितने एटम है ये बता दो, तो मान जाओ। 2 सेकंड से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसके बाद मैं खुद करूंगा। तो फटाफट सोच लीजिए एक बार दिमाग में कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा, और आंसर भी दे सकते हैं अगर आपको समझ आ गया। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, थैंक यू सचिन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। रोहित चैंपियन, धनुश्री, रामू, बहुत बढ़िया। अच्छा गरिमा जैन, गरिमा गोयल एंड गरिमा जैन आर प्रेजेंट ऑन द चैनल, वेरी गुड। BS असलम, शिवा, निकेश, कोई विशाल भी है क्या, या मेरा ही नाम अकेले विशाल है? निकेश टारगेट, बाबा, सोनम, अच्छा गौरव भी है, बहुत सारे, बहुत बढ़िया। गौतम, हर्ष, रोहन, वेरी गुड। 4, 4, अरे वाह, आप आंसर निकाल लिए, दैट्स अमेजिंग, मतलब मास्टर अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या। चलो बेटा क्या आप बता सकते हो एक हीलियम एटम का मास बता सकते हो क्या? एक एटम की जब मास की बात हो तो सर AMU लगा दो, खत्म कहानी। 4 AMU, अच्छा 4 AMU में एक हीलियम एटम है, देखना यहां पे 4 AMU में एक हीलियम एटम है, तो 1 AMU में कितने हीलियम एटम होंगे? सर 1/4 हीलियम एटम, यूनिटरी मेथड। तो सर 16 AMU में भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा जब भी कम का निकालना हो डिवाइड करते हैं, ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/4 × 16, क्या 4 एटम निकल आ रहा है क्या आंसर? यस। तो देख रहे हो ग्राम लिखने से एटम आ रहा है 4 Na, क्योंकि तो ग्राम हमेशा मोलर मास होता है, इसीलिए Na आ रहा है, और AMU हमेशा 4 एटम आ रहा है, समझ रहे हो? 4 एटम, AMU इज अ सिंगल एटम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, चीजें दिमाग में बैठ रही है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा अगर समझ आ रहा है, वेरी गुड। दिनेश यू आर न्यू, अरे रॉक कर जाओगे, नीट में रॉक करना है तो यही चैनल है बस, और कहीं नहीं। क्या मुझे इस क्वेश्चन में आप मदद कर सकते हो? क्वेश्चन सब इस तरह से भी आएंगे, समझना। अब मेरे से सीखो, मेरे से सीखो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, एटम निकालने का, इलेक्ट्रॉन निकालने का, प्रोटॉन निकालने का, कहीं नहीं सोचना है, सीधा मोल कॉन्सेप्ट, मोल निकाल दो, खत्म, मोल निकाल दो, एटम निकाल दो, कुछ भी निकालो। अच्छा HNO3 का मोलर मास होता है आपके पास 63 ग्राम होता है इसका मोलर मास, 63 ग्राम होता है इसका मोलर मास, पहले ही बता दूं, मैं हेल्प कर रहा हूं, ये वैसे एग्जाम में दिया होगा मोलर मास वगैरह। अच्छा क्या आपको ये पता लग गया कि सर 63 AMU का मतलब हो गया एक HNO3 मॉलिक्यूल, सिंगल यूनिट के लिए AMU इस्तेमाल करते हैं, मोल के लिए ग्राम इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको ये पता लग गया? तो सर एक AMU में कितना होगा? 1/63। तो सर अगर 126 करना है, तो ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/63 × 126, क्या ये बात क्लियर है? तो सर ये भी बात क्लियर हो गई कि इट इज व्हाट, 2 HNO3 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 HNO3 मॉलिक्यूल, पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दोस्तों यहां बता दूं मैं, एक HNO3 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? तो सर आप बोलोगे कि सर 3 ऑक्सीजन दिख रहे थे मुझे अभी तक, तो मेरे पास क्वेश्चन में 2 HNO3 है तो 3 × 2 ऑक्सीजन एटम दिख रहे होंगे, दैट मीन 6 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो बेटा 126 AMU HNO3 मतलब AMU मतलब दो, सिंगल 2 HNO3 मेरे पास है, एक HNO3 में 3 तो दूसरे वाले में और 3, मतलब 3 + 3 = 6। अरे समझ आ गया कि नहीं भाई, आगे बढ़ू क्या? यस 16 6 6 6 Na मैंने नहीं होगा, Na मैंने तब आएगा जब ग्राम होगा।
आइए इस क्वेश्चन को हम बाद में ले लेंगे, यहां पे आइए इस वाले क्वेश्चन को करिए। एएमयू था तो क्या आंसर आ रहा था? सिंपल 4 या सिंपल 6। अब ग्राम है तो क्या आंसर आएगा? सर क्या मैं यहां से मोल निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। गिवन मास कितना है? 126। मोलर मास कितना है? 16। तो क्या ये दिख रहा है कि 2 मोल HNO3 है मेरे पास? अरे है नहीं है, बोलिए फटाफट। ओके ओके ओके। अब एक शॉर्ट ट्रिक, बाहुबली ट्रिक की बारी है। एक शॉर्ट ट्रिक और एक बाहुबली ट्रिक की बारी है। अगर ये सीख गए तो आगे आने वाले 5-7 टॉपिक में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए यहां पे बोलना, एक HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, एक मोल HNO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, डायरेक्टली बोल सकते हो। अगर लेफ्ट में मोल लिखा है तो राइट में भी मोल लिख सकते हैं भाई। उसी तरह 2 मोल HNO3 में 6 मोल ऑक्सीजन हो जाएंगे डायरेक्टली। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। अब यहां पे मुझे बताइए कि 1 मोल HNO3 में कितने ऑक्सीजन? 3 मोल ऑक्सीजन। तो 2 मोल में 6 मोल ऑक्सीजन। मोल इज व्हाट? मोल इज एवोगाड्रो नंबर। तो 6 × Na इज द आंसर। अरे हां ना बोलना पड़ेगा, मोल इज नथिंग बट Na। मोल को रिप्लेस कर दो Na से, आंसर आ जाएगा। दैट मीन 6 × 6.02 × 10^23। फटाफट बोल दीजिए, अगर समझ आया है तो ही बोलिएगा, ऐसे ईमानदारी ही चलेगी यहां पे। ठीक है, ईमानदारी ही चलेगी यहां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलिए आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को बताएं। ये क्वेश्चन आ गया आपके नीट का, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके नीट का। तो सबसे पहला तो एग्जामिनर टेस्ट कर लिया कि क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला पसंद है क्या मेरे विद्यार्थियों, पता है क्या? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने बहुत जगह पढ़ भी रखा है और आता भी है आपको, C6H12O6। हाँ या ना, पता है ना? यस। अब मेरे साथ करेंगे तो मजा आएगा आपको, मेरे साथ करेंगे तो मजा आएगा आपको। अब देखना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की बात हो रही है। अच्छा, इसका मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? 180। मोलर मास जब निकालोगे ना तो इट इज 180। ठीक है, अब फटाफट करो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने की कोशिश करो। कोई भी आए, एटम निकालना हो, मोलिक्यूल निकालना हो, क्या करना है? सर अपने को तो मोल पता होता है। सर गिवन मास है 36, मोलर मास है 180। ओहो, तो क्या सर 1/5 मोल दिख रहा है क्या मुझे? क्या मुझे 0.2 मोल भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो इतना पता चल गया कि 0.2 मोल की बात, ठीक है, 0.2 मोल की बात। तो 0.2 मोल, एक 0.2 × Na मोलिक्यूल, खत्म कहानी। मोल इज एक मोल में Na पार्टिकल, तो 0.2 मोल में 0.2 Na पार्टिकल। पार्टिकल कैन बी एटम, कैन बी मोलिक्यूल, कैन बी एनीथिंग। थोड़ा बहुत समझ आया या पूरा समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया या पूरा समझ आया? पूरा समझ आया होगा, राइट। चलिए अब यही क्वेश्चन को मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। अब देखना, बहुत बहुत शानदार है। आपको क्या करना है? सिंपल 0.2 मोल, आपको 0.2 मोल ग्लूकोज की बात हो रही है, 0.2 मोल ग्लूकोज की बात हो रही है ना? यस। एक बात बताओ, C6H12O6 में टोटल एटम कितने हैं? तो आप बोलोगे कि सर 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, टोटल कर दो तो 24 एटम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एक ग्लूकोज में 24 एटम है? क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक मोल ग्लूकोज में 24 मोल एटम है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, एक मोल ग्लूकोज में 24 मोल एटम है। लिख सकता हूं ना दोस्तों? यस, लिख सकता हूं। तो सर 0.2 मोल में भी लिख सकता हूं क्या? हमारे क्वेश्चन में तो 0.2 मोल है, तो 24 × 0.2 मोल। तो सर क्या मैं इसको 4.8 मोल भी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं मोल को Na से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? फटाफट करेंगे आंसर, आंसर आएगा। बस बस आपको मोल निकालना है और आंसर पाना है। अच्छा, अगर आप दूसरे मेथड से आप करने जाएं, जैसा कि आपको और वीडियोस में और बुक्स में मिल जाएगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। ये शॉर्ट मेथड है। अब नंबर ऑफ ईच टाइप निकालना है आपको। थर्ड क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ ईच टाइप, 36 ग्राम ग्लूकोज का मतलब होता है 0.2 मोल ग्लूकोज है यहां पे। अब यहां पे कह रहे हैं कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, उसी तरह ऑक्सीजन कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ग्लूकोज में,
एक ग्लूकोज में सर 6 तो कार्बन है, सर 12 तो हाइड्रोजन है और 6 तो ऑक्सीजन है। अच्छा बेटा, क्या मैं ये लिख दूं कि 1 मोल ग्लूकोज में अगर मैं ये लिख देता हूं 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन है और फिर मैं लिख दूं 12 मोल हाइड्रोजन है और फिर मैं लिख दूं कि 6 मोल ऑक्सीजन है, तो नाराज हो जाओगे क्या? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सर ने बता रखा है आपको, एक ग्लूकोज में 6, एक मोल में 6 मोल, 10 मोल में 60 मोल। अच्छा सर, एक मोल का आपने बता दिया तो अब हम निकाल लेंगे 0.2 मोल ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा? क्या 6 × 0.2, क्या मैं 1.2 मोल कार्बन लिख दूं? बहुत बढ़िया सर, क्या मैं 2.4 मोल हाइड्रोजन लिख दूं? बिल्कुल। क्या मैं 1.2 मोल ऑक्सीजन लिख दूं? बिल्कुल अच्छी बात। तो क्या मैं कार्बन के लिए 1.2 Na कार्बन लिख सकता हूं क्या? यस। क्या मैं हाइड्रोजन के लिए 2.4 Na हाइड्रोजन लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सही। क्या मैं 1.2 Na ऑक्सीजन लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। आंसर 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 देख लीजिए फटाफट आंसर, मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देगा ये क्वेश्चंस, मतलब इतना आसान कर दिया कि अब आप खुद ही कर लोगे। मैंने बोला था ना, कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाऊंगा कि किताबें कम पड़ जाएंगी आपको। डोंट वरी, अभी और आगे आने वाले हैं इसे, ठीक है? चलिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाले कोई डाउट आ रहा है मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल तो निकाल लोगे ना, 0.2 मोल तो समझ में आ गया होगा। यस, आप मुझे बताओ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एक मोल में Na पार्टिकल होता है, पार्टिकल का मतलब एटम या मॉलिक्यूल या केटायन या एनायन या फिर आयन कोई, दैट मींस Na मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। बिल्कुल। तो क्या 0.2 मोल में लिखना बहुत बड़ा गुना हो जाएगा? 0.2 Na, एज सिंपल एज दैट यार, नथिंग एल्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है, रिपीट कर दिया था बस। चलिए, अब ये हो गया क्वेश्चन। यस, अब आइए, ये जो है ना, एक बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, किसी स्टेट का एग्जाम है उसमें पूछ लिया गया था। अब ये क्या है, नाक को सीधा नहीं पकड़ा है, नाक को यू घुमा के पकड़ लिया। आइए 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 समझते हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, फिर इसको करते हैं। एक से दो सवाल और है, फिर अपन एंड करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3, 16 ग्राम SO3 में मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। क्योंकि मास दिया है, मोल निकाल सकते हो क्या? आंख बंद करके मोल निकाल लो तो आंसर आ जाएगा 16/SO3 का मोलर मास। जस्ट अ सेकेंड, SO3 का मोलर मास मैं चेक कर लेता हूं। है आपका 80, SO3 का मोलर मास है 80 ग्राम, ठीक है? यस, तो आप देखो मास अपॉन मोलर मास आ गया, तो क्या ये 1/5 आ गया, तो क्या ये 0.2 मोल आ गया? यस। अब कह रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.2 मोल SO3, क्या ये क्वेश्चन रिफ्रेम हो गया? कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.2 मोल SO3। मैं ये लिख सकता हूं क्या सर? एक SO3 में 3 ऑक्सीजन है, क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा ये लिखूंगा तो नाराज हो जाओगे क्या? 1 मोल SO3 में 3 मोल ऑक्सीजन, ये लिखूंगा तो नाराज हो जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको ट्रिक पता है। तो सर 0.2 मोल में निकालना बहुत मुश्किल काम है क्या? 0.2 मोल में निकालना 0.6 मोल ऑक्सीजन। अब पूछ रहा है मास, मोल से मास कैसे निकालना? अरे भाई बताना पड़ेगा क्या, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। एक मोल ऑक्सीजन का मास पता है क्या? एक मोल ऑक्सीजन का मास पता है? यस सर, 16 ग्राम। तो 0.6 मोल में बताना बहुत मुश्किल हो रहा है क्या? 9.6 कर दो ग्राम आंसर। अरे बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या? बस अब क्या है, थोड़ा 2-3 वे में पूछा जा रहा है, दैट्स इट। इन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो आप फटाफट, आंसर देख लो। व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम? बेटा पार्टिकल दिया है तो क्या मोल निकाल सकते हो? कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको फटाफट मोल निकालना है सर। गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो क्या आपको यह पता चल गया कि मोल इज 1.2, है ना? यस। कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम। आइए 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 सर, एक SO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, एक SO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा सर, एक मोल SO2 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है?
तो आप बोलोगे कि सर सिंपल, दो मोल ऑक्सीजन एटम, कोई कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कह रहा है कि दो मोल ऑक्सीजन एटम में एक मोल SO2 है, क्या ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई? हमें निकालना है, हमें पूछा जा रहा है कि 1.2 मोल ऑक्सीजन में कितना मास होगा SO2 का। तो पहले देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दो मोल ऑक्सीजन एटम में, उल्टा कर रहा हूं और कुछ नहीं, दैट मीन्स एक मोल SO2, है ना, क्लियर है? यस। अब देखिए, तो क्या एक मोल ऑक्सीजन में 1.2, कम का निकालने के लिए डिवाइड कर और ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर, तो क्या ये 1.2 मोल के लिए भी निकाल सकते हो? सिंपल सर, 0.6 मोल आ जाएगा, 1/2 × 1.2 = 0.6 मोल। मास ऑफ SO2 पूछ रहा है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो 0.6 × SO2 का मोलर मास मैं आपको बता देता हूं, 64, ठीक है, मोल ऑफ SO2 निकल चुका है, तो मास निकालने के लिए 0.6 × 64 कर दीजिए, मोलर मास हमेशा ग्राम में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 38.4 ग्राम। क्लियर है? और क्वेश्चन करना है या लास्ट छोड़ दूं? एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए बस, दैट्स इट, इसके बाद मैं छोड़ूंगा आपको। कह रहे कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन्स 80 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा, क्या आप ये निकाल सकते हो, इसका मोल निकाल सकते हो? सर, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, दैट मीन्स मोल इज 5। अब देखो, एक H2SO4 में रिलेट कहां से करना है, ऑक्सीजन और H2SO4 रिलेट करना है, ठीक है, तो H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, उसी तरह मैं बोल सकता हूं एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन, हाँ ना, बोलना पड़ेगा, समझ आ रहा हो? तो क्या ये भी मैं बोल दूं, अब उल्टा लिखता हूं, 4 मोल ऑक्सीजन में, 4 मोल ऑक्सीजन में एक मोल H2SO4, हमारे पास क्वेश्चन में 5 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक मोल ऑक्सीजन के लिए 1/4, और अब आप बहुत सातिर वे में कर सकते हैं, 1/4 × 5, ये क्या आ गया, 5/4 मोल H2SO4, 5/4 मोल H2SO4। अब आपको मास निकालना है, तो मोल से 5/4 × 98 कर दीजिए, ये क्या होता है H2SO4 का मोलर, आंसर आ जाएगा आपके पास 122.5 ग्राम, ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार देखिए। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, और हमने आज मोल कॉन्सेप्ट 2 वाला लेक्चर किया है यहां तक आके, ठीक है, आज हम 8 PM पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर करने वाले हैं 2, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे फन वे में पढ़ा जाए ये मैं बताने वाला हूं आज, एग्जैक्टली फील कराऊंगा, लिगेंड्स को रटवाऊंगा नहीं, लिगेंड्स को आपको खुद समझा दूंगा और आप भी किसी को समझा सकते हो, ऐसा कर दूंगा। तो 8 बजे का अलार्म लग जाना चाहिए सारे दोस्तों, और जिन लोगों ने दोस्ती अभी तक नहीं की है कर दीजिए, GOC आने वाला है मंडे से, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हम संकल्प बैचेस रन करते हैं मेरे दोस्तों, मैं कुछ कमेंट्स आपको देखना चाहता हूं, तो अभी देखूंगा थोड़ी देर में। हम संकल्प बैचेस रन करते हैं, संकल्प बैच का मतलब होता है क्लास 11th की टॉपिक यहां पे कवर होती है, जो कि 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपका ये क्लास रन होता है, और एवरेज टू टॉपर ये जो सीरीज है इसमें हम क्लास 12 रन करते हैं, जिसमें अगेन ये सीरीज होती है 8 बजे, ये जो है दिन में लंच के बाद, ठीक है, और ये जो है रात के डिनर से पहले, ये है आपका केमिस्ट्री टाइमिंग, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप अनअकैडमी नीट टॉपर्स को ज्वाइन करिए और वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आपके जैसे 16-17 हजार बच्चे इस ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं बहुत ही कम समय के अंदर अंदर, और हम इसको और भी बड़ा बनाने लेके चलेंगे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे हैं, बेटा आपको लाइव क्लासेस मिलती है यहाँ पे एडुकेटर से, अपने पर्सनल एडुकेटर से, आई मीन इट, क्योंकि किसी से भी पढ़ के नहीं होगा, जिससे आप कनेक्शन फील करते हैं वही करा सकता है, इंटरैक्ट विद एडुकेटर, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देख रहे हो कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड, आपको हम लाइव क्वेश्चंस देंगे और लाइव आंसर्स आपके मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पे आंसर्स देते हो बट मुझे पता नहीं चलता है कि आपके आंसर सही है कि गलत, बट आप यहाँ पे लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड भी आपको दिख जाएगा कि कौन फास्टेस्ट था और कौन अच्छा था। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पे, आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज और रेगुलर एनालिसिस होती रहेगी, जिससे आपका वीक एरियाज आइडेंटिफाई होता रहेगा। दिस इज ओनली प्लेटफॉर्म विच ऑफर्स लाइव डाउट क्लेरिफिकेशन सेशंस, राइट। नेक्स्ट, इंडियाज बेस्ट एडुकेटर एट वन प्लेस विद ओनली वन सब्सक्रिप्शन, सारे लोगों इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपके
पास हो जाएंगे, ठीक है, ऑल ओवर फ्रॉम कोटा, ऑल ओवर फ्रॉम दिल्ली, ऑल ओवर फ्रॉम हैदराबाद, जहां भी एजुकेशन में सबसे बेस्ट लोग हैं वो यहाँ है, राइट। ये गौरव सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लाइव गरिमा मैम ऑलरेडी आपको पढ़ा रही है, कुछ दिनों में मेरी क्लासेस भी यहाँ आने वाली है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टीम सेवरल अदर टीम्स आर वर्किंग रिलेंटलेसली फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से, और आप यहाँ पे इंस्टॉल करिए, और आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या करना है, जो थ्री डॉट है लेफ्ट साइड में वहां पे सबसे ऊपर प्लस मिलेगा, प्लस में आपको क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है इससे, ठीक है, जो हम दे रहे हैं दैट इज सफिशियंट, बट दैट इज थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है, वो वाली कहानी है प्लस के अंदर, ठीक है। तो ये नीट यूजी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, और नीट यूजी सिलेक्ट करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे उसमें बाहुबली बनने के लिए आपको बाहुबली कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है। यू विल अप्लाई दिस बाहुबली कोड, बहुत पत्ते खुल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। एंड इफ यू वॉन्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनल वन टू वन मेंटोरशिप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वन टू वन गाइडेंस से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये प्लस आइकॉनिक सेक्शन आपका जिंदगी बदल सकता है, रिजल्ट बदल सकता है, तो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स ट्राई करिए, इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। अगेन इफ यू वांट टू बी बाहुबली एनीथिंग यू हैव टू अप्लाई बाहुबली, राइट। चलिए नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट, नीट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप जब लेंगे तो आपके जो पर्सनल कोच होंगे वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, फॉर केमिस्ट्री आई एम अवेलेबल, फॉर फिजिक्स द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया इज अवेलेबल, एंड फॉर बायोलॉजी द बेस्टेस्ट टीचर ऑफ इंडिया इज अवेलेबल, राइट। एंड ऑब्वियसली यू नो दिस पर्सन नमो कॉल, नो वर्ड्स फॉर हिम, राइट, ही मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब स्पीचलेस हो जाता हूं जब मैं देखता हूं, तो दिस रेवोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय अ सिंगल पर्सन, मतलब ऑब्वियसली द टीम, बट ही इज द मेन, यू कैन से द फेस। चलिए, यू कैन ऑल्सो चेक दिस अदर चैनल्स विच आर गोइंग ऑन फॉर द नीट यूजी, जस्ट नीट, नीट वॉयस, अनअकैडमी, नीट टॉपर्स, नीट तेलुगु एंड हेलो फिजिक्स आर रनिंग फॉर नीट यूजी कोर्सेस। अगर ये नहीं किया तो क्या किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, सब लोग अपने इंस्टा हैंडल और फेसबुक हैंडल पे इस टीम के बारे में जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो टीम कर रही है वो कहीं और हो नहीं रहा, और ये जो टीम अगले साल रिजल्ट में करेगी वो भी कहीं और होगा नहीं, तो ये सब ध्यान रखिए, रिवॉल्यूशन का पार्ट बनिए और शेयर जरूर करिए। एंड दिस इज माई कोड माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विल मीट यू 8 PM, मिलोगे ना 8 बजे।